तो स्वागत है आपका पाठशाला में। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, मतलब पूरा ऑप्टिक्स पढ़े, और पढ़ने के बाद हमने टेलीस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप भी बनाया बाय द वे। तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते थे, रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ करते थे एक लेंस को, डन है क्या। तो अभी हम उसमें देखेंगे ग्लास टाइप टेलीस्कोप में डिफेक्ट क्या है, क्योंकि उसमें हम रिफ्रैक्शन से यूज़ करते थे ना, अब उसमें एनी हम एक लेंस यूज़ करते थे। तो कुल मिला के जब लेंस से टेलीस्कोप बनाते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देखते। मतलब अगर आपने कभी इमेज देखा होगा टेलीस्कोप का, अभी गूगल में जाके नहीं सर्च करना कि इमेज ऑफ जुपिटर, तो आपको काफ़ी क्लियर इमेज दिखेगा। लेकिन रियलिटी में अगर आपने कभी भी टेलीस्कोप से कोई इमेज दिखा है तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो बहुत ही ब्लर दिखता है, इतना गंदा ब्लर कि वो आपको 240 या फिर 144 पिक्सल में भी नहीं दिखता है यूट्यूब में, ठीक है, उससे भी गंदा ब्लर दिखता है इमेज। अब ये जो ब्लरिंग वगैरह दिखता है ना, वो सब का रीज़न क्या है, उसी को हम स्टडी करना है। और आपको क्लियर भी नहीं दिखता है, आप सबको पता है जुपिटर ब्लू कलर का होता है ना, अगर आप उसको देखोगे ना इसमें टेलीस्कोप में, तो आप में उसको ना अलग अलग रंग भी दिख जाता है साइड साइड में। मैंने 2-3 बार देखा है, तो काफ़ी अनोखा सा कलर दिखता है वो, ना क्या वो सब क्यों होता है, तो उसके बारे में आज हमें यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। तो पहला जो हमें प्रॉब्लम दिखता है वो होता है लेंस के वजह से, ना क्या। अब लेंस के वजह से होता है, अभी हम लेंस कौन सा यूज़ करते हैं, स्पेरिकल लेंस यूज़ करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं स्पेरिकल एबरेशन। अभी ये जस्ट टर्म है, लेकिन ये होता है किसकी वजह से, लेंस की वजह से। नहीं, हो सारे यहाँ पे लेंस की वजह से ही होंगे, क्योंकि लेंस ही तो मेजर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब स्पेरिकल एब्रेशन में होता क्या है, ज़रा इस चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझना, डन है क्या। तो ये मैंने एक लेंस बना दिया स्पेरिकल लेंस, क्या ये बात है, क्लियर है। यही तो लेंस हम यूज़ करते थे ना ऑब्जेक्टिव लेंस में, इसमें आपका क्या बोलते हैं हमारे टेलीस्कोप में। अब ज़रा आप चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल करोगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, लेंस में जो बेंडिंग पावर है वो किस पास के पास, देखो लेंस को अगर मैं डिवाइड करूँ तो इस तरह एक पार्ट बन सकता है, ये जो मिड पार्ट, ये तो ऐसे ग्लास लाइक बिहेव करेगा, और ये वाला एज ए प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म, ये वाला पार्ट प्रिज्म के जैसा बिहेव करेगा ना, ये दोनों पार्ट प्रिज्म के जैसा बिहेव करता है, और प्रिज्म क्या करता है, लाइट को बेंड कर सकता है अच्छे से, ठीक है, ये बात क्लियर है क्या। अब देखो होता क्या है ना, जो बेंडिंग पावर है लाइट का, जो प्रिज्म का एक बोलते जो लेंस का जो बेंडिंग पावर है, वो इस तरह के कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा होता है। लिख देंगे एज द बेंडिंग बेंडिंग ऑफ लाइट इज मोर इन द एपेक्स, एपेक्स मतलब एकदम कोने वाले, एपेक्स पार्ट ऑफ लेंस, कि ए साइड वाले पार्ट, ये सब पार्ट क्या करते हैं, ज़्यादा बेंडिंग करते हैं लाइट को। अब जितना कॉर्नर जाते जाओगे उतना ज़्यादा बेंडिंग करेगा, तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज मोर इन द एपेक्स पार्ट ऑफ कॉर्नर ऑफ द लेंस, विच मेक्स स्लाइटली स्लाइटली चेंज इन फोकस। यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, जरा समझना ध्यान से। सपोज कि कुछ रेज आ रहे हैं एकदम, देखो इन्फिनाइट से रेज आते हैं ना, कुछ रेज आ रहे हैं मान लो ब्लैक वाले एकदम कोने से आ रहा है, दिख रहा है क्या ना, जो ब्लैक वाले रेज है सपोज मान लो एकदम कॉर्नर में आ रहा है, अब ये कॉर्नर पार्ट में बहुत ज़्यादा बेंडिंग कर सकता है, तो ये क्या कर दिया, सपोज यहाँ पे बेंड करवा दिया आपके लाइट को, ये कॉर्नर वालों ने क्या कर दिया, इस पॉइंट पे बेंड करवा दिया, क्या ये बातें हमें समझ आता है। अब देखो और भी तो पैरेलल रेज आते हैं ना इसी तरफ से, दूर के प्लैनेट से मतलब स्टार्स से, तो मान लो यहाँ पे कुछ आए रेज, डन है क्या, ये बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में होता है, ठीक है। आप जब ऐसी इसका बनाओगे तो एक ही पॉइंट पे कर देना, ये मैं बहुत ही माइन्यूट स्केल में बता रहा हूँ कि भाई बहुत, अगर हम सोचते हैं तो, जैसे जैसे ही स्विच को चालू करते हैं ना, मैंने एक स्विच को चालू किया, क्या यहाँ पे क्या मैं सीधा बोलूँगा कि भाई 0 to 10 एम्पेयर करंट पहुँच गया, नहीं भाई, थोड़ा 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 करके पहुँचा होगा ना, लेकिन वो थोड़ा सा चीज़ बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तो बना होगा। तो इसी तरह बहुत ही माइन्यूट स्केल में, दूसरे डायग्राम में इसको नहीं बनाना, बस समझने के लिए, यहाँ पर एक कॉर्नर वाले में बहुत ज़्यादा पावर होता है तो यहाँ पर फोकस करवा दिया, रेड वाले थोड़े नीचे आ गए तो इसमें थोड़ा कम पावर होगा, ना क्या, इसमें थोड़ा कम पावर होगा। तो मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ कि सपोज ये कॉर्नर वाले यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ना क्या, ये लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, रेड वाले में फोकस कर रहा है, दैट इज F2 में कर रहा है, ब्लैक वाले कहाँ, यहाँ फोकस कर रहे थे F1 में। अभी मान लो कि और भी कुछ रेज आ रहे हैं जो इस तरफ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, जो यहाँ से आ रहा है, डन है क्या, जो इस पार्ट में से आ रहा है, इस पार्ट में से ये रेज आ रहा है। अब ये तो और थोड़ा कम बेंडिंग करेंगे, तो ये थोड़ा कम बेंडिंग मतलब किस तरह, यहाँ बेंड करवा दिया, सपोज कहाँ करवा दिया, यहाँ बेंड, ना नहीं क्या, यहाँ पे बेंड करवा दिया F3 में।
तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो लेंस है इसका अलग अलग पार्ट के पास अलग अलग बेंडिंग पावर है, तो अलग अलग बेंडिंग पावर की वजह से क्या करता है, अलग अलग पॉइंट पे फोकस कर देता है ना क्या। अब सिंपल अगर आप समझो, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन डालते हो, स्क्रीन मतलब जहाँ पे आप देखना चाहते हो, स्क्रीन मतलब पेपर का टुकड़ा होता है या फिर कोई भी स्क्रीन होता है जिसके ऊपर आप इमेज देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जब स्क्रीन डालोगे तो ये जो रेड वाला पार्ट है, ये जो रेड वाला पार्ट है वो तो इमेज बना देगा, ये रेड वाला पार्ट इमेज बनाएगा, लेकिन ये पीछे वाला का जो इमेज, ये जो पीछे वाला का फोकस है वो क्या करेगा, यहाँ पे ब्लर करना शुरू कर देगा, डन है क्या। और ये जो सामने वाला है ना, यहाँ पे जो मिल गया था उसका राइट ऐसे आ जाएंगे और यहाँ पे ये दो लाइट मिलकर फिर ब्लरिंग कर देगा, क्या बात है, क्लियर है। तो आपको इमेज कैसा दिखेगा पता है, ये जो F2 है ना, F2 का आपको फुल हाई से दिख रहा होगा, फिर आपको एक ब्लर विजन दिखेगा, एक ब्लर विजन दिखेगा, एक ब्लरी विजन दिखेगा, किसकी वजह से, F3 की वजह से एक ब्लर क्रिएट होगा, फिर एक और ब्लर क्रिएट होगा F1 की वजह से, क्या बात है, क्लियर, ऐसे ब्लर क्रिएट होगा। तो आपको इमेज एकदम इस तरह एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, इसको थोड़ा मोटा एक्स्ट्रा ब्लरी दिखेगा, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं स्पेरिकल एबरेशन, ठीक है। एज द बेंडिंग ऑफ लाइट इज मोर इन द एपेक्स पार्ट ऑफ द लेंस विच मेक्स स्लाइटली चेंज इन द फोकस विच इन रिटर्न या फिर विच इन टर्न डिक्रीजेस द क्लैरिटी ऑफ इमेज, जो इमेज बनता है उसका क्लैरिटी को डिक्रीज करता है। तो भाई अभी इस पार्ट से बचे कैसे, इस पार्ट से बचने का एक सिंपल तरीका है, ये आपके पास लेंस था, अभी देखो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का, देखो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का डिफरेंट डिफरेंट बेंडिंग पावर है, ठीक है। ये मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूँ, साइड व्यू, अगर आप फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, स्पेरिकल लेंस है तो आपको गोल दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट, देखो यार सबसे ज़्यादा बेंडिंग पावर कोने वाले में होता है ना, साइड वाले गजब बेंडिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं साइड वाले को ब्लैकआउट कर देते हैं, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम ब्लैकआउट कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको ब्लैक कोटिंग कर देते हैं। तो ब्लैक कोटिंग कर दिया तो ज़्यादा बेंडिंग वाले है ही नहीं, ये वाले मॉडरेट वाले, लेकिन इस तरह ब्लैक कोटिंग करने पे भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी अगर सपोज़ यहाँ पे अगर इसको टोटल मिला के 100 रेज आ रहे थे तो एक ब्राइट इमेज बन रहा था, आप इस पार्ट को ब्लैक कर दिया तो अभी कितने, कुछ 50-60 रेज आएंगे, वो थोड़ा लेस स्लाइटली इमेज, मतलब उतना ब्राइट इमेज नहीं बनाएगा, लेकिन हमें कोई ना कोई बीच में एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपको स्फेरिकल एब्रेशन हटाना है तो आपको हाई बेंडिंग जोन को ब्लैकआउट करना ही होगा, क्या बात है, क्लियर है। तो ये होता है स्फेरिकल एब्रेशन, असल में क्या होता है लेंस में अलग अलग पार्ट में अलग अलग बेंडिंग पावर है, तो उसकी वजह से अलग अलग पॉइंट पे फोकस कर देता है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं इस तरह ब्लैकआउट कर देते हैं, साइड के रीजन को ब्लैकआउट कर देते हैं और बीच में जो रहता है उसमें से रेज आते हैं, उसमें से हम लोग एक इमेज बनाने की ट्राई करते हैं, डन है क्या। सेम लेंस में एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सेम इसी चक्कर में क्रिएट होता है, दैट इज क्रोमैटिक, क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमा का मतलब आपका कलर्स होता है, ठीक है, कलर वाला। तो आप सोचोगे भाई ये कलर कहाँ से आया, अरे आप लोगों ने पढ़ के रखा है यार, मैंने अभी तो बनाया था, एक प्रिज्म के जैसा बिहेव करता है, ए वाला साइड एक प्रिज्म के जैसा बिहेव करता है, ये तो ग्लास स्लैब है, ठीक है, बीच वाला। अभी ये अगर प्रिज्म है, क्या आपने पढ़ा है ना प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट करता है ना, करता था ना प्रिज्म, करता था क्या, करता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रिज्म में अगर आप लाइट डालोगे यहाँ से वाइट लाइट, तो ये क्या करेगा, तोड़ देगा, दोनों हिस्से में तोड़ेगा, किसको, तो देखो ये चला जाएगा रेड जिसको कम तोड़ेगा वो, और ये हो जाएगा वायलेट, याद आ रहा है ना, वायलेट को ज़्यादा बेंड कर देगा। तो सेम जब यहाँ से लाइट्स आते हैं ना इन्फिनिटी से, तो कौन से लाइट होते हैं आपको, वो तो वाइट लाइट होते हैं। जब ये वाइट लाइट इस पार्ट में से जाएगा एज ए प्रिज्म के जैसा, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, उसको तोड़ेगा वो रेड वायलेट, मतलब पूरा विबजीओर में VIBGYOR में तोड़ देगा, और जैसे ही इसको तोड़ेगा तो आपको रियल कलर नहीं दिखेगा उस ऑब्जेक्ट को, आपको देखो सिंपल सी बात है, अगर आप स्टार को ऐसे वाइट स्टार देखते हो ना, चमकता है ना, उसी को आप टेलीस्कोप में डाल दो, आप देख के परेशान हो जाओगे, वही स्टार आपको नीला पीला हरा, मतलब नीला लाल हरा पीला इस तरह कलर का दिखेगा, जो मतलब काफ़ी ऑकवर्ड होता है देखना, डन है क्या। तो इसी का फंडे को हम कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। अब देखो ये कैसे होता है, मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे ऐसा सीन होगा कुछ, तो मैं बना देता हूँ फिर से एक लेंस, ये मैंने लेंस बना दिया। अब लेंस के पार्ट्स को तो आपको अच्छे से पता होगा, बीज वाला पार्ट एज ए स्लैब बिहेव करता है और ये सारे कैसे एज ए प्रिज्म बिहेव करता है ना। नहीं अब देखो मैं इस लेंस का प्रिंसिपल बना देता हूँ फटाफट, ये बन गया प्रिंसिपल। अभी सपोज कि कुछ रेज यहाँ से आ रहे हैं ना, नहीं क्या, एक कुछ रेज आ रहे हैं पैरल, यानी वो प्रिज्म है, तो इससे एक ही से आपको समझ आ जाएगा कुछ पैरल रेज आ रहे हैं। तो जैसे प्रिज्म के अंदर पैरल रेज आएंगे तो प्रिज्म क्या करता है, इसको स्प्लिट अप करना शुरू कर देता है। अभी वो स्प्लिट अप कैसे करता है, रेड में करता है,
रेड एंड वायलेट में करता है। तो मैं बोलता हूँ जो रेड वाला है वो थोड़ा कम बेंड होता है, तो वो इसको यहाँ बेंड करवा के, ये जो रेड वाला कलर है, ये जो रेड वाला कलर है, सपोज ये जो रेड वाला कलर है उसको उसने यहाँ फोकस करवा दिया, और सेम इसी लाइट में से जो वायलेट वाला आया उसको यहाँ फोकस करवा दिया। डन है क्या? ये जो वायलेट वाला है फोकस वायलेट को यहाँ करवा दिया, और फोकस रेड को यहाँ करवा दिया, और इसके बीच में और भी बहुत सारे हैं, और मान लो कि येलो भी है बीच में, ठीक है, विबज्योर होता है ना, VIBGYOR, और फोकस येलो को यहाँ करवा दिया। इसके बीच में और भी जितने कलर है सबको अलग अलग फोकस करवाए को बैठ बैठ के। क्या बात है, समझ आ रहा है तुम्हें? अब सेम यहाँ से भी जो लाइट आया उसका रेड को कहाँ फोकस करवा दिया, यहाँ फोकस करवा दिया। डन है क्या? उस ए वाला सेम लाइट के, ये जो सेम रे आ रहा था इसके वायलेट को मान लो यहाँ फोकस करवा दिया। डन है? और यहाँ पे मान लो येलो को फोकस करवा दिया। तो आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? अगर आप यहाँ पे स्क्रीन डालते हो ना, अभी मान लेते ठीक है, इसमें ऐसा यहाँ डलवाया था, यहाँ देखो, यहाँ अगर आप स्क्रीन डालते हो तो आपको कैसा दिखेगा? आपको दिखेगा हाँ भाई रेड कलर, बीच में क्या है, रेड है बीच में, ये आपका रेड फोकस कर रहा है, आपको ऑब्जेक्ट रेड जैसा दिखने लगेगा। उसके ही बगल में ये जो येलो है, येलो क्या करेगा, ये देखो येलो वाला ऐसे आ जाएगा ना, येलो वाला यहाँ पे एक दूसरा कलर क्रिएट करेगा, यहाँ पे क्या कलर क्रिएट कर दे रहा है, येलो येलो। और फिर ये जो वाला है वायलेट वाला, ये भी तो ऐसे करके यहाँ पे आएगा ना, और उसके बगल में यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक और रीजन क्रिएट होगा, किसका, वायलेट का। पल्ले पड़ा कुछ क्या? तो आपको एनी हाउ आपको जो इमेज है स्पेरिकल एब्रेशन की वजह से बहुत ही धुंधला धुंधला दिखेगा, 144 पिक्सल से भी कम। दूसरा, वो जो 144 पिक्सल वाला इमेज है उसी के बगल में आपको दुनिया भर के कलर दिखेंगे। विबज्योर है ना, खाली मैंने यहाँ पे तीन बनाया, इस तरह 700 के 7 कलर इकट्ठा दिखते हैं, आपको इमेज नहीं, कुल मिला के आप क्या देखने वाले हो, एक रेनबो दिखेगा आपको उस इमेज की जगह में। डन है क्या? इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्रोमाटिक एब्रेशन। तो अब मैं इसको इसके बारे में लिख देता हूँ, एज द प्रिज्मेटिक, PRIS, प्रिज्मेटिक पार्ट ऑफ लेंस परफॉर्म, क्या करता है, परफॉर्म डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट, जैसे कि ये प्रिज्मेटिक पार्ट वाला पार्ट जो है लेंस का वो डिस्पर्शन क्रिएट करता है, उसी की वजह से डिफरेंट फोकस क्रिएटेड फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट विच गिव्स अस आ कलरफुल कलरफुल इमेज। कलरफुल इमेज तो देता है लेकिन वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, आपको समझ ही नहीं आता है। आपने देखा था स्टार व्हाइट है और आपको माइक्रोस्कोप मतलब टेलीस्कोप में दिख रहा है वो रेड ब्लू येलो क्या क्या है, ठीक है, तो जो हमें देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पल्ले पड़ा। अब ये जो क्रोमेटिक एब्रेशन है, क्या हम इसको हटा सकते हैं कलर वाला, ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। अगर आपको लाइट बेंड करना है तो आपको चाहिए ये वाला पार्ट, और अगर लाइट बेंड होगा तो ये प्रिज्मेटिक पार्ट है तो ये कलर बनाएगा ही बनाएगा। तो कुल मिला के अगर आपको क्रोमेटिक एब्रेशन हटाना है, चलो स्पेरिकल हटाने के लिए तो भाई बाद में ब्लैकआउट कर दिया था, अगर आपको क्रोमेटिक हटाना है तो आपको इस लेंस के जगह में कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे साइंटिस्ट लोगों ने उस टाइम पे देखा था, खास करके ये सेटअप न्यूटन का था, पहले गैलीलियो बनाया फिर न्यूटन ने भी बनाया, एंड यहाँ न्यूटन सर कर रहे थे, सबको क्लियर इमेज नहीं दिख रहा था, तो न्यूटन सर ने एक और टेलीस्कोप बनाया था, क्योंकि उस टेलीस्कोप का नाम है रिफ्लेक्टिंग टाइम टेलीस्कोप, जो कि हम लोग इसी इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना क्या। तो क्रोमेटिक एब्रेशन को डिलीट करने का एक ही तरीका है कि हम यहाँ पे लेंस यूज़ ना करें, ना क्या, लेंस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे प्रिज्म आएगा, प्रिज्म आएगा तो कलर में धजिया उड़ना ही है, ना क्या। तो बिना लेंस को यूज़ करके भी टेलीस्कोप बना सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ना क्या। तो ये होता है क्रोमेटिक एब्रेशन कि अलग अलग कलर्स में दिखता है। और एक लास्ट पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये नहीं, हमें बहुत ही सिंपल पॉइंट होता है थर्ड नंबर। अभी होता क्या है ना, इन टेलीस्कोप टेलीस्कोप फोकल लेंथ जो रिक्वायर होता है ना, जो इसका जो फोकल लेंथ रखता है ना, जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मैं यहाँ पे नंबर लिख के देता, वैसे 20 फीट 30 फीट होता है, 20 फीट 30 फीट मतलब बहुत बड़ा, आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है, सोच सकते हो 20 फीट 30 फीट का फोकल लेंथ बहुत बड़ा होता है, ठीक है, फोकल लेंथ इतना, विच मीन्स
रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डुगरा, दैट इज 40 फीट। 40 फीट लगभग आपका कुछ 11 मीटर के आसपास है। 11 मीटर के फोकल लेंथ वाले लेंस, दैट इज एक जाइगेंटिक लेंस होता है, ठीक है। वो तो टेलीस्कोप का फोकल लेंथ हमें बहुत बड़ा चाहिए, उसकी वजह से हमें जो लेंस लेना पड़ता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, डन है क्या? एंड टू कैरी सच लेंस मशीनरी क्रेन वगैरह का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, मशीनरी इज़ रिक्वायर्ड। तो इसको कैरी करने के लिए मशीनरी का ज़रूरत पड़ता है, तो हम आसान भाषा में क्या लिख देंगे? हैंडलिंग ऑफ लेंस बिकम्स डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डिफ़िकल्ट किस में? इन ग्लास टाइप टेलीस्कोप। सो न्यूटन सर ने तो भाई देख रहे थे, सर को क्लियर इमेज दिख नहीं रहा था, और स्टार देख रहा था वो वाइट वाला, लेकिन उसको इमेज में दिख रहा था ब्लू ग्रीन येलो मिक्सचर वाला, ठीक है क्या? पल्ले पड़ा। तो ये सब से परेशान होकर न्यूटन सर ने एक और टेलीस्कोप बनाया, ठीक है, उसको मॉडिफाई भी किया गया बाद में, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये सारे के सारे क्या है? लेंस में है, रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन इसको हटाने के लिए ब्लैकआउट किया, लेकिन ए वाला पार्ट को हटाने के लिए यहाँ से लेंस ही हटाना पड़ेगा, मतलब रिफ्रैक्शन को ही हटाना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्शन को हटा के न्यूटन सन ने रिफ्लेक्शन वाला टेलीस्कोप बनाया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।